One more. Yeah, yeah. Come, sir. Me. You take over. दरअसल मुझे बड़ी खुशी है कि दंगल इतनी पसंद की जा रही है चाइना में और दुनिया भर में लोगों ने इतनी पसंद की है, और मुझे लगता नहीं कि किसी दो फिल्मों को कंपेयर करना चाहिए। बाहुबली बहुत ही कामयाब फिल्म है, मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन जिस से मैं मिला हूँ सिर्फ तारीफ ही सुनी मैंने बाहुबली की। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएँ, मेरी तरफ से मुबारकबाद राजा मौली जी को, उनकी पूरी टीम को। और मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन हमको नहीं करना चाहिए, बाहुबली या दंगल, दोनों अच्छी फिल्में अपनी अपनी जगह हैं और दोनों फिल्में हिंदुस्तान की फिल्में हैं जो दुनिया भर में झंडा गाड़ रही हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ बाहुबली एज वेल, एंड एज एन इंडियन फैन आई वुड रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट द फिल्म इज़ डूइंग सो वेल ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सचिन का मैं हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और मैंने ये फिल्म देखी है, सचिन की फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। किसी भी सचिन फ़ैन के लिए ये एक बहुत ही जज्बाती फिल्म है, क्योंकि हम सचिन की जो पूरी जर्नी रही है उसको हम एक बार फिर एक्सपीरियंस कर सकते हैं बड़े पर्दे पर, और उनके ज़िंदगी में, उनके करियर में जो इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स आए हैं वो सब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे बहुत ही पसंद आई। आई थिंक ऑल ऑफ अस वर सच बिग फैंस ऑफ सचिन, रियली लव दिस फिल्म, और ख़ास तौर से जो उनकी लास्ट स्पीच जो हमेशा रुलाती है हम सबको, तो आई रियली लव द फिल्म एंड आई रियली विश सचिन एंड द इंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे यकीन है कि ये फिल्म बहुत ही कामयाब होगी और लोगों को बहुत पसंद आएगी। गुड इवनिंग। सचिन्स क्वालिटीज़ विच आई एडमायर, देयर मेनी क्वालिटीज सचिन विच आई एडमायर। एक तो जो उनका पैशन है गेम की तरफ, जो उनका प्यार और मोहब्बत है क्रिकेट की तरफ, उसके अलावा जो उनका डेडिकेशन है, जो उनका हार्ड वर्क है, जिस किस्म के इंसान है वो, जितना उनमें ग्रेस और डिग्निटी है, जिस किस्म से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है, पूरा करियर जिया है, तो ही इज़ रियली एन आइकॉन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू गाइस।